अर्हत बनने के रास्ते में जो चौथी बात है या चौथा पड़ाव है, लास्ट वाला जिसमें अर्हत बनता है और जिसको हम कहते हैं अर्हत भूमि बोलते हैं, यानी कि इसका नाम भी अर्हत ही है, अर्हत भूमि, उसकी जो अवस्थाएं हैं वो बहुत कमाल की अवस्थाएं हैं कि सबसे पहले जो व्यक्ति अनागामी हो चुका है उसमें रूप राग नहीं आना चाहिए। रूप राग का मतलब है कि उसे शरीर पाने की इच्छा नहीं आनी चाहिए, उसके मन में भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि अब उसको शरीर चाहिए, क्योंकि वो, मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि अब वो विदाउट बॉडी है, वो एयर में है, तो उसको शरीर पाने की इच्छा भी, या कोई व्यक्ति अगर रूप के साथ भी है, इस जीवन में है और जीवित है जो विपसना कर रहा है, उसके अंदर ये बात खत्म हो जानी चाहिए कि अब उसको शरीर चाहिए, अब वो जन्म लेगा तो शरीर के साथ लेगा। और इसके अपोजिट भी ये बात होनी चाहिए कि उसको बिना रूप के भी शरीर के की इच्छा खत्म होनी चाहिए, यानी कि रूप के साथ, शरीर के साथ जन्म और बिना शरीर के साथ जन्म, दोनों ही तरह के जन्म का उसका जो मोह है वो जड़ से समाप्त होना चाहिए, ये इच्छा खत्म होनी चाहिए। फिर उसमें मान की, अपमान की, सम्मान की, ये जो बात है ये पूरी जीरो होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। अब वो मान, सम्मान और अपमान तीनों से परे हो जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, करे या ना करे, उसकी इच्छा बिल्कुल जीरो हो जाती है। फिर आता है उद्धच। उद्धच क्या होता है? उद्धच होता है अह की, या जो अहंकार होता है उसकी समाप्ति, यानी मैं हूँ, मेरा है, मेरा है, इस बात की समाप्ति, मेरा कुछ नहीं है यहाँ, यानी जो मैं ये जो एजुकेशन ले रहा हूँ, या मैं अर्हत होने जा रहा हूँ, मैं अर्हत हो गया, या मैं अर्हत होऊंगा, या मेरा, मैं तो अर्हत हो गया, या मैं सोतापन हो गया, मतलब मैं और मेरा वाला उसके माइंड के अंदर से, मन के अंदर से बिल्कुल जीरो, फाइल सारी खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल एलिमिनेट होनी चाहिए, उसके अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये मैं है, मेरा है, या मैंने प्राप्त कर लिया, या मैं अर्हत हो गया, या मैं सोतापन हो गया। और एक उसकी सारी अविद्या। अविद्या का मतलब है जो अविद्या जिसको बोलते हैं संस्कृत, जो बाद में भाषा बनी है संस्कृत, पाली पुरानी भाषा है, पुरानी भाषा में उसको अविद्या बोलते हैं। अविद्या का मतलब ये है कि जो सामने से जो भी चीज़ आ रही है, खाने की, पीने की, या कोई कामरा की, या कोई स्मेल आ रही है, या कोई टच आ रहा है, वो उसको पूरी तरह से दिखाई दे कि हाँ ये आ रहा है सामने से, और ये मुझे पता चला, और ये सामने से आया, और ये मैंने देखा, ये बात उसे अच्छी तरह से पता चल जानी चाहिए। अगर ये बात उसे अच्छी तरह से पता चल जाती है और अविद्या उसे पूरी तरह से जानकारी में रहती है उसकी, अब वो जानकार हो गया हर चीज़ का, तो फिर ऐसा व्यक्ति अर्हत हो जाता है। और अर्हत का मतलब है कि उसने अपने सभी दुर्गुणों का, जितने भी क्या बोलते हैं दुश्मन थे, जो उसके अंदर दुश्मन थे, उन सबको हत कर दिया, यानी कि उनको ख़त्म कर दिया, अरहत हो गया। इसको अरिहत भी बोलते हैं, अरि माने दुश्मन होता है, हत माने ख़त्म करना, तो वो अरहत हो गया। अरहत होने के बाद में जब सारे अंदर के दुर्गुण ख़त्म हो गए, सारे जितनी भी बुराइयाँ थी वो ख़त्म हो गई, तो फिर शरीर की जितनी अच्छाइयाँ हैं वो सारी सारी बाहर निकल के आ जाती हैं। और जब शरीर की अच्छाइयाँ बाहर निकल के आ जाती हैं तो वो पूर्णतः सुखी हो जाता है, क्योंकि जब कोई शरीर में गंदगी नहीं रही, कोई मन में दूषित भाव नहीं रहा, तो फिर वो सुखी हो जाता है, और वो परमानेंट जीते जी सुखी हो जाता है। इसको बोलते हैं अर्हत अवस्था, जो जीते जी प्राप्त होती है, इसी को सेल्वेशन बोलते हैं, इसी को मुख बोलते हैं। धन्यवाद।